अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियो प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, फाइल सेंडर और फ़ोन क्लीनर रखते हैं तो अब आपको इन सबको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कार्य आप एक ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में ये सारे कार्य करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मोवटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट हमेशा आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक ही एप्लीकेशन से वीडियो प्ले, म्यूजिक प्ले, फाइल सेंड और मोबाइल स्टोरेज क्लीन करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने मोबाइल फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है गूगल फाइल। जैसे हम गूगल फाइल सर्च करेंगे, गूगल फाइल इस प्रकार से एप्लीकेशन दिखेगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मेरा अपडेट मांग रहा है तो मैं इसको अपडेट करूँगा। उसके बाद जो भी परमिशन मांगेगा अलाउ कर देना है। उसके बाद हम ओपन पर क्लिक करेंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपने कुछ भी डाउनलोड किया होगा, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने डाउनलोड किया होगा इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हैं म्यूजिक, फोटोज, अगर वीडियोज आपने डाउनलोड किया होगा तो वीडियोज भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम इमेज पे क्लिक करेंगे। जितने भी इमेज होंगे सारे फोल्डर्स नज़र आएंगे। यहाँ पे ऑल का फोल्डर्स दिख रहा है, यहाँ ओपन कैमरा का दिख रहा है, यहाँ हैचकम का दिख रहा है, यहाँ स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहाँ डाउनलोड कैप्चर कैमरा यानी मोबाइल का कैमरा। तो जो भी फाइल पे आप क्लिक करेंगे उस फाइल का इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपको वीडियो के सारे फोल्डर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो इनमें से कोई भी वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस वीडियो क्लिक किया, अभी हमारा वीडियो प्ले हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि वीडियो प्ले हो चुका है। आप इसको चाहें तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और रोटेट हो जाएगा वीडियो। आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके 10 सेकेंड वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले पर हम अगर राइट साइड में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। साइड में अगर हम उंगली प्रेस करते हैं ऊपर नीचे तो हमारा ब्राइटनेस कम होगा और ज़्यादा होगा। अगर हमको कोई भी म्यूजिक सुनना है तो हम ऑडियो पे यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद म्यूजिक के सारे फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप जिस भी फोल्डर का म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं म्यूजिक पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमने इस म्यूजिक पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये हमारा म्यूजिक प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद से ये ऑटो प्ले होता रहेगा। म्यूजिक एक के बाद एक प्ले होता रहेगा। उसके बाद अगर आप मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लीन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इंटरनल मेमोरी आपको दिख रहा है स्टोरेज, और यहाँ पे एसडी कार्ड स्टोरेज दिख रहा है। हमें अगर इंटरनल स्टोरेज क्लीन करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा कुछ। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियोज पे क्लिक करके कोई भी वीडियो डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो पे क्लिक किया और जो भी वीडियो हमें डिलीट करना होगा उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डिलीट बिन का ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, फ़ोटोज, वीडियो और भी बहुत कुछ। इस प्रकार से आप इसमें से कुछ भी डिलीट कर सकते हैं जिससे आपका स्टोरेज क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी फाइल सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि आप शेयर इट से सेंड करते थे, जेंडर से शेयर करते थे, उसके लिए शेयर करना है कोई भी फाइल तो हम यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कोई भी फाइल सेंड करना है तो आप सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप इसमें से क्या सेंड करना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, ऐप, इमेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं एक ऐप अगर सेंड करना चाहता हूँ तो ऐप पर क्लिक करूँगा। उसके बाद से सारे ऐप डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे सेंड करने के लिए और सेंड वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप दूसरे के फ़ोन से कुछ भी आप रिसीव करना चाहते हैं, दूसरे के फ़ोन से कुछ कोई भी फाइल लेना चाहते हैं तो आप यहां रिसीव पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा रिसीव करने के लिए रेडी हो चुका है और वहां से दूसरे के मोबाइल से सेंड करेंगे और यहां पे रिसीव हो जाएगा। अगर आप किसी इमेज को फेवरेट बनाना चाहते हैं तो उस इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इस थंबनेल को ही फेवरेट बनाता हूँ तो जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ फेवरेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये अब हमारा फेवरेट हो चुका है और फेवरेट में देखने के लिए हम फेवरेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फेवरेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे। जितने भी हमने फेवरेट बनाया हुआ है इमेज इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे फेवरेट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। इस प्रकार से आप कोई भी इमेज
फेवरेट वाले ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। और आप चाहो तो आप किसी भी इमेज को सेव फोल्डर में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज यहाँ पे सेव फोल्डर में डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम एक इमेज उठाएंगे, इमेज को ओपन करेंगे और यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ मूव टू सेव फोल्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पैटर्न अपना डालेंगे। जैसे ही पैटर्न डालेंगे उसके बाद ये हमारा मूव हो जाएगा सेव फोल्डर में। पहले मैं अब सेव फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा वो इमेज सेव फोल्डर में आया है कि नहीं आया है। उसके लिए हम सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे पैटर्न ऐड करेंगे। यहाँ के बाद यहाँ पे वो सेव फोल्डर में हमने जो इमेज ऐड किया था वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप इस प्रकार से इमेज को देख सकते हैं। इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी इमेज आप सेव फोल्डर में रख सकते हैं जो कि दूसरा कोई भी पर्सन नहीं देख सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये कई एप्लीकेशन से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। और आप चाहो तो हमें फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।